अब 1v4 तो ऐसे करूंगा जैसे कोई बोर्ड के स्कोर पे करते ले 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 बड़ी देखा गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू नूब नहीं सॉरी थोड़ा सा बैक गाइस। तो पहले तुम सब भाइयों के मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक यार। अब ये नहीं कहना कि भाई आपकी वीडियो बहुत लेट आती है, आई नो। बाकी यार तुम्हारा भाई अभी भी ईद की नमाज पढ़ के आया है, माँ की दुआ लेकर दोनों की माँ बहने करने आए। ओड़ी बाबा रुक रुक, अबे भाई अभी अभी तो आया हूँ भाई, मेरे को पकड़ी। अबे चूते फाइट बाद में ले, पहले मेरे को पकड़ ले। अबे साले, अबे भाई छोड़ उसको, तू मेरे को क्यों नहीं पकड़ रहा। नंबर 3 पकड़, अब नंबर 4 आ गया, नंबर 4 कवर दे, हाँ दे दे, ठीक है ठीक है, गुड पकड़ी बे। गाइस अब ये गया, ये अबे चूतिया है क्या, मैं पकड़। साला अब ये नहीं जानता जख्मी शेर ज्यादा खूंखार होता है, साला मैं तो इसको पकड़ के मारूंगा भाई। भाई यहाँ से पीक 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 बच्चे लेते हैं भाई, हम तो घुस के पेलेंगे इसकी बहन का कुत्ता। उड़ी ले 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 ले। इसकी बहन का कुत्ता काटू, सालों ने एमिंग बोर्ड बनाया हुआ है बे। तो भाई मेरे को पकड़ी जरा, पकड़ लेना भाई क्या। थैंक यू, अभी देखना भाई, अभी जो तुम्हारा भाई खेलेगा भाई, घुस घुस के मारूंगा सालों को, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। आड़ दे आड़ दे, रुक रुक आ गया साला, मारा ही नहीं लोकेशन ही दे। भाई यार क्या छुपन छुपाई खेला साला, जब लोडिंग होती है तो भागती है, जब छुप जाता हूँ तो इधर उधर जाती है, जब सामने आता हूँ तो सारे दिखते नहीं है। अब तो गया भाई, उड़ी बाबा उड़ी बाबा, हम फास्ट भाई माफ कर दे साला, ऊपर से मार दे, रुक भागने दे। उड़ी बाबा डन डन, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ साले, अब मार के दिखाओ मेरे टीममेट को, अकेले को छेड़ रहे हो, कोई बात नहीं गाइस। अब तो गई है सालों को, ऐसा पकड़ूंगा ना भाई साहब, 5-6 किल तो मेरे अकाउंट में है, वैसे आप अकाउंट का लो। अब 1v4 तो ऐसे करूंगा जैसे कोई बोर्ड के स्कोर पे करते ले ले ले। उड़ी बाबा देखा गाइस, साला मंदिर का घंटा हूँ क्या जो आ रहा है मेरे को ही बचा के जा रहा है भाई। कोई बात नहीं गाइस, ये ऐसे हम करते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अब जब हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, ये दुनिया के सबसे सेफ जगह, यहाँ पे लोंडा तो छोड़ो बोट ही नहीं मिले है, एक ही लोंडा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, इतना ना ही हो, इसको तो मैं खुद पकड़ के लथेर दूंगा। आड़ दे चाचा आड़ दे आड़ दे, ये तो सला नहीं आ रहा मेरे को ही जान दे। आप पकड़ लो पकड़ में इधर, सारा बच्चा को छेड़ा तेरी बहन का कुत्ता काटो, देखा गाइस बेचारे नंबर 4 को छेड़ा कुछ ऐसा, घुटनों पे आया पड़ा है लोंडे के। मेरे को भाई चाल चलन ठीक नहीं लग रही है, जिस हिसाब से छेड़ा है ना मेरे को कुछ गलत ही लग रहा था। अबे भाई ये कौन लूटा था भाई, इधर से फुटस्टेप की आवाज आई थी भाई, वो किधर गया। तो फाइनली गाइस आज तुम्हारा भाई तुम लोगों के सामने थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता है। आज मेरी महबूबा की कल रात कॉल आई थी, कहते कि जान मुझे चांद नजर नहीं आ रहा क्या करो। मैंने कहा दिखाई कैसे देगा, एक तो साला मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यार लोंडे ज्यादा प्रो हो गए या तो फिर साला मैं ही नूब होता जा रहा हूँ भाई। दिन भर लोगों गेम खेल के उनकी गेम इंप्रूव होती है, साला मैं पीछे पीछे होता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं गाइस, असल में इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि लोंडे ने मेरे साथ 1v1 की फाइट नहीं की, साले ने कैंपिंग की फाइट की है। अच्छा, अगर मेरे को पता होता ये कैंपिंग करके बैठा मैं कोई भाई दिमाग का इस्तेमाल करता यार, ये गलत बात है। कोई बात नहीं गाइस, अभी हम रिकॉल होके जा रहे हैं सीधा गाड़ी के पीछे, गाड़ी का पीछा करे, गाड़ी हमारे आगे गई है, साला ये गाड़ी भगा क्यों नहीं रहा बे। अन्नी दा बच्चा पता नहीं क्यों एटी होली चला रहा है, पिछला ड्राइवर चंगा ही दूड़ा पुट्टी आया है। तो गाइस गाड़ी तो मेरे को नहीं दिख रही, अब कहते हैं कि भाई किसी और साइड पे चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई जहाँ पे चलना मैं तुम्हारे वैसे भी साथ ही हूँ, या तो फिर लोंडे हम पर रश करें या तो फिर हम लोंडो पर रश करने जाएं, दोनों सूरत हाल पे क्लच हमारा ही होता है, मतलब के लो भी जाने का ज्यादा। उड़ी बाबा मार मार चाचा से मार, गोले क्यों नहीं। अबे लड़ू ने गन्नी हाथ में उठाई थी, विक्टर भोसड़ी के चूतिया साला, एक दिन तेरे को बदल दूंगा बे। भाई यार हाथ में गानी नहीं थी बे, मैंने कहा यार ये गोलियां क्यों नहीं चल रही। चलो फैमिली गाइस आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो बाकी तमाम भाइयों को मेरी तरफ से दिल से ईद मुबारक, खुश रहो आबाद रहो, हंसते खेलते मुस्कुराते बर्बाद रहो। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।